हेलो माय फ्रेंड्स, कसा काय। जहाँ है रफ़ी सर, वहाँ से ख़त्म होगा केमिस्ट्री का डर। आज मैं जो आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। तो ट्रिक में जाने से पहले जो छोटी सी ज्ञान की बात है वो हम देख लें। ज्ञान की बात में ये है कि आपको ये थ्योरी अप्लाई किस में करना है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अप्लाई करना है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन द सेंस आइदर N2, O2, H2 एटसेट्रा। और ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे कि ये मैंने 3 एग्जांपल लिया, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक CO, NO, CN-। बस द थिंग इज कि टोटल जो एटम होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। तो इसमें अप्लाई करना है। ज्ञान की बात 2 में ये है कि ये थ्योरी अप्लाई कहाँ पे करना है, आपको 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही करना है। 1 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन तक आपको अप्लाई करना है। तो डैट मीन्स हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक में ही अप्लाई होगा, क्योंकि यू नो डाई एटॉमिक लेना है। तो हाइड्रोजन हम लिखेंगे तो H2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एनी लिखूंगा तो Ne2, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी Ne2 एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा वो तो हम इस थ्योरी से देख लेंगे। तो कहने का मतलब कि आपको जो एलिमेंट देखेंगे इस थ्योरी में वो हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक होंगे। आप देख सकते हो कि हमने जो एग्जांपल लिया वो हाइड्रोजन से नियॉन के अंदर वाले ही हैं। और जो पॉइंट नंबर 3 है कि आपको इसमें करना क्या है, तो काउंट कर लेना है टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक नंबर, जो भी एलिमेंट होंगे उसके एटॉमिक नंबर का सम, और चार्ज को प्लस या माइनस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास N2 है तो यहाँ पे यू नो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, 2 नाइट्रोजन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मेरे पास CN- है तो यू नो कार्बन के 6 हो गए, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 हो गए, तो 13, और माइनस वाले को मतलब वो कर्ज ले लिया है, ऐड हो गया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। ऐड कर देंगे, माइनस होगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस होगा तो ऐड करना है, प्लस होगा चार्ज तो सब्सट्रैक्ट करना है। वेरी सिंपल। सिमिलरली जैसे मान लो कि मेरे पास NO+ है, तो डैट मीन्स नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन के 8, 15 हो गए, बट प्लस का मतलब एक दे दिया उसने, तो इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें कितना हो जाएगा, 14। तो ये ज्ञान की बात में ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरी आपको लगाना क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे लगाना है। तो वेरी सिंपल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल में लगाना है। डैट डायटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी सेम और डिफरेंट एटम से बने हो सकते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डैट मीन्स हाइड्रोजन से नियॉन तक वाले एलिमेंट आपको दिखेंगे, तो वहाँ से पता लगेगा कि ये थ्योरी अप्लाई करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, कैसे, सम ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड अगर प्लस चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन कम कर देना, माइनस चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। सबसे पहले देखो ट्रिक नंबर 1 में मैंने रेफरेंस लिखा है नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में सबको आइडिया है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन है तो 14। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इन द सेंस 2 एलिमेंट के बीच में कितना बॉन्ड बना हुआ है। तो नाइट्रोजन रेफरेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में सबको मालूम है इसमें 3 बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ये सभी को मालूम है, टोटल इलेक्ट्रॉन 14। तो 14 को मैंने क्या किया, रेफरेंस लिया। अब 14 के इस साइड या 14 के इस साइड में जाऊं, तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि 20 तक लगाना था, और इस साइड भी उतना ही नंबर, बैक में 13, 12, 11, 10, 9, 8, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर लिख दिए। जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होंगे उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, वेरी इजी। ना उसके बॉन्ड ऑर्डर, तो 14 के लिए आपको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 ऑलरेडी, ये आपकी आंखों के सामने है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप आइदर साइड जाओ, 14 के इस साइड जाओ या 14 के इस साइड जाओ, आपको 0.5 क्या करते जाना है, कम करते जाना है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 2.5, फिर 0.5 कम करेंगे तो 2, फिर 0.5 कम करेंगे तो 1.5, फिर 0.5 कम करेंगे तो 1, फिर कम करेंगे तो 0.5, और ये 0। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर मुझे याद हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिखूँगा।
इधर देखो, फिर इधर भी जाना है तो 0.5 कम करना आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये 2, 1.5, 1.50, क्लियर हो गया। 8 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर याद हो गया। नाउ 1 से 8 का कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले इवन नंबर को मैं ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, इवन नंबर को मैंने ले लिया, और आपको इवन नंबर वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2 वाले में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे कर देना है। इवन नंबर को मैंने पिकअप किया है और 1, 0, 1, 0, बाकी जो भी बच गया सम में क्या भर दो, 0.5 भर दो, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, देखो बहुत ही सिंपल है। इवन वाला 2, 4, 6, 8 को मैंने लिया, 1, 0, 1, 0 किया और बाकी जो भी बचा सब में 0.5 भर दिया, तो 1, 2, 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करके आ रहा है। तो ये वाले मेथड से आप बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे, और 8 से लेकर के 20 आ रहा है तो ये वाले मेथड से बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे। एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया, बीओ इन द सेंस बॉन्ड ऑर्डर, बी मतलब बॉन्ड एनर्जी, एस मतलब स्टेबिलिटी, बी एस मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, BL मतलब बॉन्ड लेंथ, ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली होंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल उतना क्लोज आया, तो बॉन्ड लेंथ उतना क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए सिर्फ बॉन्ड लेंथ क्या चलेंगे इन्वर्स में, बाकी सारे क्या चलेंगे डायरेक्टली। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे सिंपल आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑलवेज बॉन्ड ऑर्डर। एक बार बॉन्ड ऑर्डर आ गया सबका ऑर्डर आ चुका है। नाउ ट्रिक नंबर 2, कि आपको पूछा जा सकता है कि जो गिवन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन द सेंस कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, और डायमैग्नेटिक इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो रिपेल होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे पता लगाएंगे, तो अगेन रफ़ी सर का ट्रिक है, कैसे कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। अगर वो काउंट ऑड नंबर आ रहा है, लाइक 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर आ रहा है तो डायमैग्नेटिक, लाइक 2, 4, 6, 8। नाउ द ओनली एक्सेप्शन इज कि 10 अगर आ रहा है डेट इज इवन नंबर बट वो होगा पैरामैग्नेटिक, 16 आ रहा है डेट इज इवन नंबर बट अगेन वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो 10 और 16 इवन नंबर है उसमें पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी रेस्ट जितने भी ऑड होंगे तो उसमें तो वो पैरामैग्नेटिक है ही, इवन में डाया होंगे। तो हम कह सकते हैं गर्व से कि बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड लेंथ का, पैरामैग्नेटिक का, डायमैग्नेटिक का, सबका बदला लेगा रे तेरा रफ़ी सर का ट्रिक। नाउ अब हम बात करते हैं उस ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बीओ का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, और पी का मतलब है पैरामैग्नेटिक, डी का मतलब है डायमैग्नेटिक। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, टोटल 16 एग्जाम्पल लिया हूँ मैं। तो देखो मॉलिक्यूल या आयन का एक कॉलम है और उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है 10 सेकंड के अंदर में, बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपके सामने आ चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे करेंगे, N2, तो यू नो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दो नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे O2 तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 to the 16 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस 16 और एक और आ गया तो 17 इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस 16 और 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस तो 16 में से एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। C2 6 टू द 12, B2 5 टू द 10, CN माइनस कार्बन के 6 नाइट्रोजन के 7, 13 और एक माइनस तो 40। तो ये बहुत इजी वे में आ गया। नाउ देखो बॉन्ड ऑर्डर, चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही काउंट हुआ बॉन्ड ऑर्डर, 14 के लिए हमने क्या बोला था 3, 16 कैसे हो गया 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, तो दो बार 0.5 कम करेंगे तो 2, 17 में और 0.5 कम होगा तो 1.5, 18 में और 0.5 कम होगा तो 1, 15 में 14 के जस्ट क्लोज है 0.5 कम होगा तो 2.5, 12 में 14 के बाद 13, 13 के बाद 12 तो कितना हो जाएगा 2, 10 में आपका कितना जाएगा 1, 14 में अगेन 3,
पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे 14 इवन नंबर तो डायमैग्नेटिक, 16 इवन नंबर बट एक्सेप्शन तो पैरामैग्नेटिक, 17 ऑड तो पैरामैग्नेटिक, 18 इवन तो डायमैग्नेटिक, 15 ऑड तो पैरामैग्नेटिक, 12 इवन तो डायमैग्नेटिक, 10 इवन बट एक्सेप्शन तो पैरामैग्नेटिक, 14 इवन तो डायमैग्नेटिक। तो देख सकते हो आप कैसे मैं इजी वे में कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए आप, तो NO नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8 तो कितना हो गया 15, NO प्लस तो 15 में से एक चला जाएगा तो 14, C2 2 माइनस 6 टू द 12 और दो और आगे तो 14, He2 प्लस He का दो, दो Hc है तो 4, एक प्लस तो 3, Li2 प्लस लिथियम का 3, दो लिथियम है तो 6, एक चला गया तो 5, B2 5 टू द 10, Ne2 10 टू द 20, B2 4 टू द 8। तो देखो बहुत इजी है इलेक्ट्रॉन काउंट करना। नाउ अब इसके बॉन्ड ऑर्डर, तो 15 है तो 14 के जस्ट बाद वाला तो 2.5, 14 है तो 3, 14 है तो 3, 3 है तो बताया था 2, 4, 6, 8, 1010, तो ये 2 के बाद वाला है तो 0.5, ये 4 के बाद वाला है तो 0.5, बाकी सब में 0.5, इवन नंबर में सिर्फ 1010 था, 10 है तो 1, 20 है तो 0, 8 है तो 0। तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, जैसे आप देख सकते हो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, तो इसका क्या मतलब है कि ये मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा। यही रीज़न है कि नियॉन आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। सिमिलरली गैस फेज में बेरिलियम भी आपको एटॉमिक फेज में मिलेगा, नॉट डाई एटॉमिक फेज में। नाउ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक की बात करें तो 15 है ऑड तो पैरा, 14 है तो इवन तो डाया, 14 है इवन तो डाया, 3 है और तो पैरा, 5 है और तो पैरा, 10 ध्यान रहे इवन है बट एक्सेप्शन तो पैरा, 20 इवन है तो डाया, 8 इवन है तो डाया। तो आप देख सकते हो मेरे ट्रिक से कैसे इजीली, एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी सब डायरेक्टली होंगे, बॉन्ड लेंथ सिर्फ इन्वर्सली होगा। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि ये थ्योरी आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो सिर्फ गैस फेज में। डैट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे C2 हमने लिया है तो ये गैस फेज में, नॉट सॉलिड या लिक्विड, N2 लिया है तो ये गैस फेज में, या कहीं पे हमने अगर मान लो कि B2 लिया है तो ये भी गैस फेज में। तो सिर्फ गैस फेज में जब एलिमेंट होंगे तभी अप्लाई करना है। और सेकेंड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि C2 इज़ द ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज हैविंग बोथ बॉन्ड एज पाई बॉन्ड, क्योंकि C2 में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो C2 डैट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 12 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा आपको 2। तो इसमें जो दोनों बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच जो दोनों बॉन्ड है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड है, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब डायग्राम का ट्रिक दूंगा तो वहाँ पे इसको मैं क्लियर भी करूँगा। एंड कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विच विल नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डैट मीन्स आपको क्या देखना है कि किस में बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने का मतलब कि वो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड ही नहीं बना, इसलिए वो मॉलिक्यूल डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरा ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का ट्रिक्स बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर को इसी तरह आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू।